नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज वेस्टी अर्थशास्त्र से रिलेटेड फिर एक और टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, मांग के नियम के लागू होने के कारण। यानी कि बच्चों, किन परिस्थितियों में मांग का नियम लागू होता है या मांग के नियम के लागू होने के जितने भी कारण है वो हमें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया गया है मांग का नियम, और मांग का नियम ये बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा में कमी, और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो हम लोग जितने भी मांग के नियम के लागू होने के कारण पढ़ेंगे उन सबको कीमत और मांग मात्रा से रिलेटेड करके ऋणात्मक संबंध प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि मांग का नियम कीमत और मांग के मध्य ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। क्योंकि जब भी मांग का नियम लागू होता है और उसका डायग्राम बनाया जाता है तो वहाँ पर मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई अर्थात ऋणात्मक ढाल में होती है। तो दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस करते हैं मांग के नियम के लागू होने के कारण। देखिए बच्चों, चार पॉइंट आपके सामने हैं जिसमें मांग के नियम के लागू होने के कारण का टॉपिक कंप्लीट होगा। सबसे पहला है हमारे पास आय प्रभाव, सेकेंड है हमारे पास प्रतिस्थापन प्रभाव, थर्ड उपभोक्ताओं की संख्या, और फोर्थ वस्तुओं के विविध उपयोग। इन चारों ही पॉइंट के कंसर्न में मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर, चाहे वो आय प्रभाव हो, प्रतिस्थापन प्रभाव, कोई सा भी हो, हर पॉइंट को कीमत और मांग मात्रा से रिलेटेड करना है और दोनों में ऋणात्मक संबंध प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर अपन आय प्रभाव की बात करें तो वस्तुओं की कीमतों में दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, या तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सकती है या वस्तु की कीमत में कमी हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, ये ऊपर का साइन वृद्धि को बताएगा, तो उपभोक्ता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर हमें अपनी आय का ज़्यादा भाग वस्तु को खरीदने के लिए खर्च करना पड़ेगा, इसलिए हमारी आय में क्या होगी, कमी। यानी कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता की आय में कमी होती है, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर उसकी जो क्रय शक्ति होती है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता, यानी क्रय शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और क्रय शक्ति कम होगी तो 100% उसकी मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी हो रही है, इसलिए आय प्रभाव के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है। अपोजिट करके देखते हैं, अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो हमें वस्तु खरीदने के लिए पहले की तुलना में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि हमारी आय का भाग हमारे पास बच जाएगा, इसलिए हमारी आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होने पर हम लोगों की वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने की क्षमता, जिसे कि क्रय शक्ति कहा जाता है, बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ेगी तो 100% हमारी मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चों, आय प्रभाव के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रतिस्थापन प्रभाव को एक एग्जाम्पल के बिहा पर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा। समझिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और एक वस्तु हमारे पास बी है। दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है, इसका मतलब दोनों प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं। ये नहीं मिलने पर आप इसको खरीद सकते हो और ये नहीं मिलने पर आप इसको खरीद सकते हो, बट मार्केट में हमारे पास दोनों ही वस्तुओं के ऑप्शन उपलब्ध है। ये ए और बी दोनों वस्तुओं रंग, रूप, आकार, गुण, स्वाद, डिजाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी, कीमत सब में एक जैसी बनी हुई है। यानी दोनों वस्तुओं में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, और इसकी कीमत भी 25 रुपये है और इसकी कीमत भी 25 रुपये है। ठीक है, तो दोनों में से हम किसी भी एक वस्तु को खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों वस्तुएं हमारे लिए सारी चीज़ों में एक जैसी है। अब हमें एक वस्तु को खरीदने का डिसीजन लेना है। सपोज करिएगा हमने ए वस्तु को परचेज कर लिया है, ठीक है, अब दो महीने बाद क्या होता है, ए वस्तु की कीमत 25 रुपये से बढ़कर के कितने रुपये हो जाती है, 30 रुपये, जबकि बी वस्तु की कीमत आज भी कितने रुपए बनी हुई है, 25 रुपए बनी हुई है। यानी जो वस्तु हमने खरीदी थी उसकी कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई,
तो ये ए वस्तु हमें क्या लगेगी, महंगी, जबकि बी की कीमत आज भी 25 रुपये बनी हुई है तो ये हमें क्या लगेगी, सस्ती। तो हम क्या करेंगे, जिस वस्तु की कीमत बढ़ी है यानी इस महंगी वस्तु के स्थान पर अपन सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देंगे, बी वस्तु को खरीदेंगे, इसलिए इस ए वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जैसे कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर देगा, इसलिए महंगी वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। यानी कीमत के बढ़ने पर मांग घट रही है तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू होता है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में भी हमेशा मांग का नियम लागू होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अब जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी वजह से कुछ उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को या तो कम कर देंगे या कुछ उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बंद कर देंगे, जिससे बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आएगी और उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आने से ऑटोमेटिकली जो मांग है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। यानी कीमत के बढ़ने पर कुछ उपभोक्ता वस्तु का उपभोग कम कर देंगे जिससे मांग में क्या आ जाएगी, कमी। लेकिन अगर मान लीजिए कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत में कमी होने पर जो उपभोक्ता पहले वस्तु की कीमत का उपभोग नहीं कर पा रहे थे वो भी कीमत में कमी के कारण वस्तु का उपभोग प्रारंभ कर देंगे, यानी कुछ नए उपभोक्ता वस्तु का उपभोग प्रारंभ करेंगे, जिससे बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कीमत कम होने पर कुछ नए उपभोक्ता वस्तु का उपभोग प्रारंभ करेंगे जिससे डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, यानी उपभोक्ताओं की संख्या के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू होता है। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वस्तुओं के विविध उपयोग। अब बच्चों पहले समझिए वस्तुओं के विविध उपयोग का मतलब क्या होता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती है जिनके बहुत सारे प्रयोग संभव होते हैं, यानी दिन प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको कई सारे प्रयोगों में काम में लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें दूध की, अर्थात मिल्क की, तो दूध एक ऐसी वस्तु है जिससे चाय बनाई जा सकती है, कॉफ़ी बनाई जा सकती है, दही, पनीर, मक्खन, घी, छाछ, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। यानी उसके विविध उपयोग है, लेकिन उसमें से होते हैं कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपयोग और कुछ कैसे होते हैं, कम महत्वपूर्ण उपयोग। अब अधिक महत्वपूर्ण उपयोग का मतलब क्या है कि दूध से या तो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रयोग चाय बनाना है या कॉफ़ी बनाना है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझ सकते हैं दही बनाना है। कम महत्वपूर्ण प्रयोग का मतलब क्या है, दूध से कम महत्वपूर्ण प्रयोग यानी आप चाय, कॉफ़ी, इनके साथ साथ घी, मक्खन, पनीर, छाछ और कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यदि मान लीजिए आज दूध की कीमत बढ़ जाती है, यदि आज दूध की कीमत बढ़ जाती है तो हम दूध को केवल अधिक महत्वपूर्ण प्रयोग के अंदर ही काम में लेंगे, कम महत्वपूर्ण प्रयोग के अंदर काम में नहीं लेंगे। यानी कि एक ही प्रयोग में काम में लिया जा रहा है क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाय या उसकी कॉफ़ी बना सकते हैं और कम महत्वपूर्ण प्रयोग में काम में नहीं लेंगे, इसलिए उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए दूध की कीमत कम हो जाती है तो हमारी बल्ले बल्ले है, यानी कि अब हम उसको अधिक महत्वपूर्ण प्रयोग के साथ साथ कम महत्वपूर्ण प्रयोग में भी काम में ले सकते हैं क्योंकि अब उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो दोनों ही प्रयोगों में काम में लिया जा रहा है कीमत में कम होने की वजह से, इसलिए उसकी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये आज का टॉपिक है हमारा मांग के नियम के लागू होने के कारण। हिंदी माध्यम में इसी प्रकार से वेस्ट के अर्थशास्त्र की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, क्लास 12 से रिलेटेड, संगणक से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो रीट का एग्जाम हो, ठीक है। आप बोर्ड से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।